कहते हैं कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता, और कुदरत जब अपना कहर बरपाती है तो सब कुछ तबाहो बर्बाद हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से कुदरत की तबाही का ऐसा ही एक मंजर सामने आया है जो दिल को दहला देने वाला है। दरअसल भूस्खलन की चपेट में आने से एक ही परिवार के कई जान से चले गए। मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर देना। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे, पर हमारे हवाले कर दो उनको जितनी जल्दी से होता। हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। पहाड़ों में है, स्लाइड तो हो जाता है कई बार, लेकिन ये है कि प्रशासन को भी ऐसी जगह जो है सेफ करनी चाहिए, कोई ना कोई साधन करना चाहिए कि कोई पानी का कोई अच्छी तरीके से निकास हो। रेलवे की लाइन आपने देखी होगी कहाँ लटकी हुई है, तो साधन कोई प्रॉपर साधन नहीं है। क्षतिग्रस्त मलबों में से बीते कई दिनों से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। बारिश और भूस्खलन के कारण लगातार राज्य में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कई महीनों से लगातार मानसून अपना कहर बरपा रहा है। अभी आप मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के थी कि 4 मिली थी हमारे को, अब 1 और मिली है हमारे को, 5 हो गई है। अब किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाए, क्या स्थिति है इसकी? तो स्थिति जैसे इसका तो फेस भी दिख रहा था, वो भी क्लियर था, फेस भी क्लियर दिख ही रहा था वैसे तो। चलो फिर भी फेस 3 दिन से तो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा नहीं पता चल रहा, पर हमारे एक कल्चर है ऊना में, ये सिंगी डालते हैं। इसके गले में चैन और सिंगी थी, वो सिंगी उसने गले में डाली थी, मैंने उससे आइडेंटिफाई किया। बाकी उसके कपड़े से भी किया, ग्रीन कलर का सूट उसके पास था, और मैं तो मैक्सिमम उनके साथ ही रह रही हूँ पिछले 15 साल से, तो मेरे को पता था कि उसके पास ये सूट। तो कुल कितनी बॉडी आइडेंटिफाई हो पाई आपकी और कितनी पेंडिंग बची? सर पेंडिंग 2 बची है, दादू और पोती, बस 4 साल की पोती और 65 दिन के उसके दादू, और बाकी 5 मिल गए। 5 मिल गई है। हाँ जी, भूस्खलन और बादल फटने के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और घर ढहने की घटनाएं सामने आ रही हैं।